हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने जो वीडियो बनाई है, ये कंप्रेसर के अंदर से पानी कैसे निकाले और इस पानी की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पानी निकालना है। ये एयर वॉल है, यहाँ से पानी निकलता है कंप्रेसर का पूरा। ये देखिए कितने प्रेशर के साथ पानी बाहर आ रहा है, और ये देखिए बहुत प्रेशर है, पानी बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। बहुत ज़्यादा पानी है इसके अंदर प्रेशर के अंदर। आप भी फ्रेंड ज़्यादा तो आपको टाइम से टाइम इस तरीके से पानी निकालें, वरना आपको कुछ प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप कंप्रेसर के अंदर अगर एयर फिल्टर लगाओगे, उससे आपके मशीनी पार्ट्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वो एयर फिल्टर जो होता है वो पानी को वहीं स्टॉक कर देता है और डायरेक्ट क्लीन एयर आउट क्लीन करता है। देखिए ये पूरा पानी हमने बाहर निकाल दिया, इसको पूरा उठाकर देखिए, ये जो फिटिंग है ये पूरी एयर फिल्टर है। ये लगाने से आपके मशीनरी पार्ट्स ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड, ये किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज़ है ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखना आप लास्ट तक, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड। ये जो फिल्टर है, इससे आप एयर वाली मशीन जो भी यूज़ करते हो वो इससे ख़राब नहीं होंगी। अगर आपका पेंट का भी काम है तो आप ये आराम से आप लगा सकते हो। आप अगर जब पेंट करोगे तो उसके अंदर पानी की बूंदें नहीं आएगी स्प्रे करोगे तब। अगर आप ये वाला फिल्टर लगाओगे तो इससे आपका पेंट का जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये देखिए किस तरीके से इसको लगाना है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये कनेक्टर एलन की बोल्ट और साथ में एक एलन की है, देखिए। तब हम इसको कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे, और ये फिटिंग करने के लिए मैंने आपको एक बताया था। आपके पास जो भी कंफर्टेबल स्क्रू एलन की और जहाँ आपको लगे वहाँ आप इसको लगा सकते हो फिल्टर को, पर ये होना चाहिए कंप्रेसर के आसपास ही। ये देखिए ये मैं इसको फिट कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट तरीके से इसको लगाना पड़ेगा ताकि वाइब्रेशन के कारण वापस से निकले नहीं। ये देखिए ये एयर फिल्टर है, ये इसको मैं ऊपर थ्रेड की तरफ से इसको फिट कर दूँगा। ये ऐसे फिट हो सकता है पूरा कंप्लीट। ये इसके जो दो लाइन है, ये एक इनपुट है और एक आउटपुट की है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनपुट वाली नली आपको इससे कनेक्ट करना है, और एक ये जो नली है ये आउटपुट की है, जो कि आप जो भी मशीनरी वगैरह में आप उसको लगा सकते हो ताकि आपका पार्ट्स वगैरह कोई डैमेज नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरा मैंने कंप्लीट इसको कैसे वर्क कर रहा है, ये इसमें एयर आना चालू हो गई है। ये देखिए उसका लेवल जो है बढ़ गया एयर का। ये कंप्लीट एयर फिल्टर मैंने इसको लगाया, आप भी अपने कंप्रेसर के साथ इसको अटैच कीजिए।